Hey guys, welcome back to my channel. मेरे पास है Redmi Note 10 Pro जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है और मैं इसमें बताऊंगा कि मैंने इस फ़ोन को क्यों ख़रीदा है, क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो जो मेरे को लग रहा था तो मैंने ये परचेज किया है। आगे मैं बताता हूँ इसमें मेरे को क्या क्या खासियत लगा है जो मैंने इसे ख़रीदा है। था बॉक्स जो फ्लिपकार्ट की तरफ से आया था और इसके अंदर है हमारा Redmi Note 10 Pro मोबाइल। अब इसे हम रखते हैं साइड में। ये है इसका डब्बा, ये देख लीजिए। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं तो इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इसी फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। चार्जर वगैरह सब निकाल रखा है, बस मैं दिखा रहा हूँ इसका डब्बा। और इसकी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, वो आप YouTube पे भी देख सकते हैं। अब मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मैंने इस फ़ोन को ख़रीदा क्यों है। तो मैंने इस फ़ोन को परचेज़ किया था वीडियो बनाने के लिए। जो मेरा पहले फ़ोन था वो था Redmi Note 7 Pro और उसमें फ़ोन में स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं था। तो इसमें बहुत अच्छा ही स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है इतने रेंज में। बाकी फ़ोन मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं दिखाता हूँ इसके कुछ आपको वीडियोस, और इससे पहले भी जो भी आपने वीडियो देखा है वो सारे इसी फ़ोन के हैं। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह है, फीचर्स दिए हुए हैं जो आप यूट्यूब पे जाके इसके बारे में देख सकते हैं। बाकी जितना मेरे को यूज़ होता है उस हिसाब से ये फ़ोन मेरे लिए बेस्ट है। और मैं दिखाता हूँ आपको इससे बना के कुछ वीडियोज़ वगैरह जो शायद आपको